आज की चर्चा का विषय है बेंजीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को समझाने के लिए दो पार्ट में समझाया जाता है। इसका पहला पार्ट एन अप्रोच टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे अप्रोच करके पॉइंट आउट किया गया कि बेंजीन की संरचना चक्रीय है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो कैसे अप्रोच हुआ उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, वो मैं इसके अप्रोच की चर्चा करूँगा। एन अप्रोच टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है, पार्ट वन है। और जब हम अप्रोच के माध्यम से बेंजीन का स्ट्रक्चर ज्ञात कर लेंगे, तब हम इसके दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो पहला पार्ट है एन अप्रोच टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज पार्ट वन, और दूसरा पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पहला पार्ट टेकअप करता हूँ, एन अप्रोच टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, पार्ट फर्स्ट ईयर। पार्ट सेकेंड दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसका अप्रोच, बेंजीन का स्ट्रक्चर जानने का कैसे अप्रोच लोगों ने किया, वैज्ञानिकों ने कैसे प्रयास किया, किस गाइडलाइन के हिसाब से सोचा, तो उनकी विधिवत चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। पहला है, जब किसी भी कंपाउंड का, अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ज्ञात करना होता है, तो उस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन किया जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करने के बाद ये पता किया जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, और तब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जाता है। तो ये स्टडी जब किया गया, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन जब किया गया, एलिमेंटल एनालिसिस से पता चला, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन suggests that molecular formula of benzene is C6H6. ये C6H6 कैसे आया, इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया कि आखिर बेंजीन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो पाया गया कि इसमें दो ही तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात किया गया, तो ये पता चला कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन सजेस्ट दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि यह जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये सजेस्ट करता है कि हाइड्रोकार्बन है। इट अपीयर्स दैट बेंजीन इज ए हाइड्रोकार्बन, बेंजीन इज ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक। इट अपीयर्स दैट बेंजीन इज ए हाइड्रोकार्बन। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन
दैट इज C6H6 डज नॉट ओबे द जनरल फार्मूला जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू सी एन एच टू एन सी एन एच टू एन माइनस टू। ये तीनों जो फार्मूले लिखे गए हैं, ये तीनों फार्मूले हाइड्रोकार्बन के लिए ही लिखे गए हैं। ये एल्केन के लिए है, फॉर अल्केन्स, फॉर अल्कीन्स, फॉर अल्काइन्स। ये तीनों जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे गए हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स का, ये तीनों मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सी सिक्स एच सिक्स है, अगर कार्बन नंबर यहाँ डाल दिया जाए सिक्स, सी सिक्स एच ट्वेल्व मानी सी सिक्स एच ट्वेल्व हो जाएगा, सी सिक्स एच टेन हो जाएगा, सी सिक्स एच नो सी सिक्स सी सिक्स एच फोर्टीन हो जाएगा, सी सिक्स एच टेन हो जाएगा और सी सिक्स एच टेन हो जाएगा, नो सी सिक्स एच ट्वेल्व। दिस फाइंड्स द सी सिक्स एच ट्वेल्व नो एच फोर्टीन सी सिक्स एच ट्वेल्व एंड सी सिक्स एच टेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का सी सिक्स एच सिक्स है। इन जनरल फार्मूला के आधार पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आ रहा है, सी सिक्स एच फोर्टीन आ रहा है, ये सी सिक्स एच ट्वेल्व आ रहा है, ये सी सिक्स एच टेन आ रहा है। इसमें से कोई जनरल फार्मूला इस मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है। इससे क्या पता चलता है? ये सब एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए हैं। जो ये मेंशनड है जनरल फार्मूला वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? दिस सजेस्ट दैट बेंजीन इज नॉट an open chain aliphatic hydrocarbon। यदि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है तो किसी न किसी से मैच करना चाहिए, लेकिन किसी से मैचिंग इसकी नहीं है। इसके क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि बेंजीन इज नॉट एन ओपन चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो है क्या? It seems that बेंजीन इज ए अनसेचुरेशन है इसमें, लेकिन वह अनसेचुरेशन अल्किन जैसा नहीं है, यह अनसेचुरेशन अल्काइन जैसा नहीं है, यानी डिफरेंट है। तो ऐसा इसलिए पता चलता है कि इसके अंदर स्पेशल टाइप का अनसेचुरेशन है। तो अदर जो एक्सपेरिमेंट इस पर किए गए, नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि प्रेजेंस ऑफ थ्री डबल बॉन्ड्स
प्रेजेंस ऑफ थ्री डबल बॉन्ड्स, कुछ बेंजीन पर कुछ रिएक्शन कराए गए और उस रिएक्शन के आधार पर यह पता चला कि इसके पास डबल बॉन्ड है और यह डबल बॉन्ड की संख्या 3 डबल बॉन्ड इसके पास है। और कौन कौन से प्रयोग किए गए? पहला प्रयोग किया गया कि इस पर सनलाइट के प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन का एडिशन हुआ, 3 मॉलिक्यूल्स ओजोन का एडिशन हुआ और 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। इस एडिशन प्रोडक्ट से जो इस एडिशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने वो सभी साइक्लिक थे, जिसे पता चलता है कि बेंजीन ओपन चेन का कंपाउंड नहीं है बल्कि साइक्लिक है और इसके पास 3 डबल बॉन्ड हैं। लेकिन ये तीनों डबल बॉन्ड जो बेंजीन के हैं वो अल्कीन के डबल बॉन्ड से डिफर करते हैं, क्योंकि बेंजीन पर HBr का एडिशन नहीं होता है जबकि अल्कीन पर HBr का एडिशन होता है। अल्कीन पर HOCl का एडिशन होता है जबकि बेंजीन पर HOCl का एडिशन नहीं होता है। KMnO4 के द्वारा या K2Cr2O7 के द्वारा अल्कीन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, लेकिन बेंजीन का कोई ऑक्सीडेशन इनके द्वारा नहीं होता है। इससे पता चलता है कि जो 3 डबल बॉन्ड बेंजीन के हैं वे अल्कीन के डबल बॉन्ड से डिफरेंट हैं। हम देखिए उदाहरण के द्वारा इनका रिएक्शन क्या है, जिससे पता चलता है कि इनके पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स, नंबर ए, इट पहला पॉइंट इसका है बेंजीन एड्स अप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रोड्यूसेस बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, the gamma isomer of this compound, the gamma isomer of BHC is called gamoxane and insecticide. इस पर सवाल बनता है, गमस्केन के बारे में क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है? तब देखिए ये C6H6 से रिएक्शन कराया जाएगा 3Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNU। जो कंपाउंड बनता है वो साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव बनता है, ऐसा Cl, CLH, Cl, 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 Cl,
हेक्सा क्लोराइड, दिस इज BHC। अब देखिए इसमें थ्री मॉलिक्यूल क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, और थ्री मॉलिक्यूल क्लोरीन का एडिशन ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन के पास थ्री डबल बॉन्ड है। तो प्रेजेंस ऑफ थ्री डबल बॉन्ड्स का पहला प्रूफ तो ये हुआ। अब दूसरा प्रूफ देखिए, सेकंड, दूसरा प्रमाण, इट एड्स अप थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट एड्स थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन एंड प्रोड्यूसेस
बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड विच स्प्लिट्स टूट जाता है, विच स्प्लिट्स इन प्रेजेंस ऑफ इट स्प्लिट्स व्हेन वार्म्ड विथ जिंक H2O इनटू द दिस इज नॉट व्हेन बट व्हिच इनटू द थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। यह भी एडिशन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रिएक्शन दिया रहेगा, प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाइए या रिएक्शन बताइए। देखिए C6H6 इम्पॉर्टेंट थ्री मॉलिक्यूल, ओजोन है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पता चलता है कि कितना एडिशन हो रहा है। देखिए ये ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड पर ही आप जानते हैं कि ओजोन का एडिशन होता है, बल्कि आप पढ़ भी चुके हैं ऐसा, इसको बोलेंगे बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। बेंजीन पर थ्री मॉलिक्यूल ओजोनाइड हो रहा है, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बन रहा है, इसको फिर क्या करेंगे, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में इसको वार्म करेंगे, ये स्प्लिट करेगा। स्प्लिटिंग का हम ट्रेंड बता दे रहे हैं, ये ऐसे यहाँ छिपा हुआ एक पार्ट ये है, एक मॉलिक्यूल देखिए ये CH छिपा हुआ, CHO फिर CHO से CHO हो गया, एक मॉलिक्यूल CHO यहाँ से निकल गया, दूसरा मॉलिक्यूल देखिए ये यहाँ से आएगा, ऐसे स्प्लिट करेगा, दूसरा हो गया CHO, और तीसरा देखिए ऐसे ऐसे इससे निकल जाएगा ऐसे। तो ग्लाइऑक्सल कितना मॉलिक्यूल बन गया, ये दिस इज थ्री मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल हो गया, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है ऐसा। तो बेंजीन के पास थ्री डबल बॉन्ड्स हैं, कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि ओजोन का थ्री मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है इसके ऊपर, ओजोन है इसका थ्री मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। तो क्यों थ्री मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, क्योंकि इसके पास तीन डबल बॉन्ड है। तो क्लोरीन का एडिशन थ्री मॉलिक्यूल, ओजोन का एडिशन थ्री मॉलिक्यूल, ये दोनों से पता चलता है कि बेंजीन के पास थ्री डबल बॉन्ड्स हैं। तीसरा प्रूफ है प्रेजेंस ऑफ थ्री डबल बॉन्ड का, जैसे रिडक्शन होता है बेंजीन का, रिडक्शन ऑफ बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन एड्स थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, इन प्रेजेंस ऑफ निकिल and produces cyclohexane देखिए इसका C6H6 3H2, इसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ये ग्रेटा साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन।
अब देखिए, ये इससे जो प्रेजेंस ऑफ 3 डबल 1 के जो एक्सपेरिमेंट किए गए, क्लोरीन का एडिशन हुआ, ओजोन का एडिशन हुआ या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऑडिशन हुआ, इससे तो पता चला कि इसके पास 3 डबल 1 है। लेकिन एक चीज़ और पता चलता है, क्या कि जब इसका रिडक्शन करते हैं, या हाइड्रोजन का जब एडिशन हो रहा है तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो इस आधार पर भी पता चलता है कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है और वो 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, तभी यह साइक्लोहेक्सेन बना है। और इस साइक्लोहेक्सेन में अगर 3 डबल 1 डाल दिए जाएं तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये बाद में हम आपको बताएंगे, इस पर आएंगे। अब नेचर कैसा है, प्रेजेंस ऑफ 3 डबल 1 तो हैं, लेकिन क्या ये डबल बॉन्ड अल्किन जैसे हैं या अल्किन से डिफरेंट हैं? तो दीज रिएक्शंस, पहले इसमें कंक्लूड कर दीजिए, दीज रिएक्शंस इंडिकेट दैट बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स। अब 3 डबल बॉन्ड्स का नेचर क्या है, ये देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ थ्री डबल बॉन्ड्स। इस 3 डबल बॉन्ड का नेचर कैसा है? तो पहला ये बताना है इसमें कि HBr का, जैसे अल्कीन पर HBr का एडिशन होता है, आपको मालूम है अल्कीन पर HBr का एडिशन होता है, ब्रोमो अल्केन बनता है। अल्कीन पर HOCl का एडिशन होता है, क्लोरोहाइड्रिन बनता है अल्कीन पर, लेकिन बेंजीन पर उनका एडिशन नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है अल्किन के डबल बॉन्ड में और बेंजीन के डबल बॉन्ड में। तो पहला पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, बेंजीन डज नॉट ऐड HCl, HCl मीन्स ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी डज नॉट ऐड, इस पर एडिशन इसका नहीं होता है, जबकि अल्किन पर एडिशन होता है। बेंजीन डज नॉट ऐड HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, जबकि अल्किन पर HOCl का एडिशन होता है। थर्ड पॉइंट, बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2Cr2O7, जबकि अल्किन पर, अल्किन KMnO4 से ऑक्सीडाइज होती है, या तो हाइड्रोक्सिलेशन होगा या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज डबल बॉन्ड का होता है, लिहाजा कीटोन बनते हैं जैसा बताया जा चुका है। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो दीज रिएक्शंस क्या इंडिकेट करते हैं? ये रिएक्शंस ये इंडिकेट करते हैं कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वे डबल बॉन्ड अल्किन जैसे नहीं हैं, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। तो दीज रिएक्शंस सजेस्ट दैट this observation suggests that double bonds of benzene
is different to that of double bonds of alkene, ये ऑब्जर्वेशन हुआ. और इसके डबल बॉन्ड अल्कीन के डबल बॉन्ड जैसे नहीं है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. अब इन एक्सपेरिमेंट के बाद वैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं और इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जब एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल, तो साइक्लोहेक्सेन मिलता है. तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टडी का, अप्रोच का, वो ये है कि बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड. तो नेक्स्ट पॉइंट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, On the basis of above observations, conclusion क्या है? On the basis of जो अब तक का observation था, on the basis of above observations, अब above observations क्या क्या हैं? Presence of 3 double bond, double bonds and formation of cyclohexane due to hydrogenation reaction. ये ऑब्जर्वेशन है, प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन ड्यू टू हाइड्रोजनेशन. इट वॉज कंक्लूडेड दैट बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड consisting of 6 carbon atoms in the ring, 6 carbon atoms in the ring, as well as 3 bonds, 3 double bonds in the ring. तो 3 डबल बॉन्ड हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो इट वॉज कंक्लूडेड दैट बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज साइक्लिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स इन द रिंग एज वेल एज 3 डबल बॉन्ड्स इन द रिंग. तीनों डबल बॉन्ड भी रिंग के अंदर हैं, 6 कार्बन एटम मिलकर साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं. तो ये ऑब्जर्वेशन लिया गया. और एक फर्दर इसका है, पहला तो पॉइंट ये है इसका, सेकेंड पॉइंट ये है कि बेंजीन केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता, बेंजीन प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. सेकेंड पॉइंट इसका है. Second point, benzene produces only one type of, yeah, it produces, benzene produces only one type of
सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली if benzene is cyclic, if benzene is cyclic, benzene cyclic होगी तभी एक तरह का बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि तीन डबल बॉन्ड है, ओपन चेन में होंगे, तीन जगह होंगे, साइक्लिक में तीन है, तो इसका मतलब सारे कार्बन एटम को एक जैसा बना रहे हैं वो, इसकी वजह से सारे कार्बन एटम इक्विवेलेंट हो जा रहे हैं, आइडेंटिकल हो जा रहे हैं। तो फर्दर इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द one type of mono substitution product that all the carbon atoms of the ring, of the six membered ring is equivalent, of the six membered ring is equivalent, equivalent, इसके सारे कार्बन इक्विवेलेंट हैं। इट इज also clear from the only one type of monosubstitution product that the carbon atoms of the six membered ring is all the six membered ring is equivalent. तो सभी कार्बन एटम इक्विवेलेंट हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब बेंजीन की संरचना साइक्लिक होगी या चक्री होगी। और इसके आधार पर केकलो ने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया। अच्छा, दूसरा डिमेरिट, हाँ, केकुले स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट है केकुलेस स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। ये तब सभी तर्कों के आधार पर, सभी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, on the basis of above facts, on the basis of above observations, Kekulé proposed structure first for benzene as ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, थ्री डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट है, ऐसा दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर बेंजीन। यह जो स्ट्रक्चर है केकुले का, यह मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है, लेकिन डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसके अंदर कुछ डिमेरिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स या डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर, डिफेक्ट defect in structure first, वो क्या है? पहला defect इसका ये है कि इस structure से benzene का monosubstitution product explain किया जाता है, लेकिन benzene में एक और विशेषता है कि benzene three di substitution product बनाती है।
और इस स्ट्रक्चर से फोर डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है। द डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर फर्स्ट इज दैट द ब्रोमीन द बेंजीन गिव्स ओनली थ्री डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। ये ऑब्जर्वेशन है, बेंजीन गिव्स ओनली थ्री डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट व्हाइल स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ बेंजीन gives four dye substitution product। आज अब देखिए इनका डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कैसा है। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी है। एक तो ये हो गया, इसको जरूरत नहीं है। दूसरा ये अपनी जगह पर रहेगा, डबल बॉन्ड तो अपनी जगह पर है ही है, ये ऑर्थो मेटा डबल बॉन्ड अपने जगह पर, ये पैरा, तो इसके चार हैं, तो एक इसको नंबर वन, नंबर दो, नंबर थ्री और एक और बन जा रहा है नंबर फोर। डबल बॉन्ड अपनी जगह पर स्थिर है यहाँ पर और यहाँ पर, ये चार चार तरह के डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इसके बन इस स्ट्रक्चर से बन रहे हैं। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट से फोर डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, आप कहेंगे कि यह वन स्ट्रक्चर, टू स्ट्रक्चर, थ्री स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है, चौथा नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ए और बी अगल बगल हैं तो डबल बॉन्ड है बीच में, ए ए और बी अगल बगल हैं तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है। चौथे स्ट्रक्चर में ए और बी अगल बगल हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस है, इसलिए फोर स्ट्रक्चर्स हो गए। तो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर फर्स्ट जो कैकुलो ने प्रपोज किया वो गलत है। दिस ऑब्जर्वेशन टेल्स दैट this observation tells that structure first for benzene is not correct। तो केकुले ने पहला स्ट्रक्चर तो दिया था, स्ट्रक्चर फर्स्ट जो का जो जन्मदाता है केकुले साहब हैं, लेकिन केकुले का ने देखा कि फोर टाइप सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसको में उन्होंने करेक्शन भी किया। तो क्या करेक्शन किया कि उन्होंने एक डायनेमिक स्ट्रक्चर का प्रस्ताव दिया कि डबल बॉन्ड जो इस रिंग के अंदर है वो फिक्स नहीं है बल्कि दो एडजेसेंट पोजिशन में ऑसिलेट करते हैं। तो केकुलेस डायनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब डायनेमिक स्ट्रक्चर क्या है, किसमें डायनेमिज्म किसमें आ रहा है, डबल बॉन्ड में। केकुले ने फर्दर कहा, केकुले फर्दर प्रपोज्ड दैट डबल बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन और ऑसिलेटिंग यानी इनके अंदर मोबिलिटी है, ऑसिलेट करते हैं
और ऑसिलेटिंग बिटवीन द एडजेसेंट कार्बन एटम, बिटवीन द एडजेसेंट पोजिशंस एंड देयरफॉर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज moving or structure of benzene mobile between structure first and second. ये है पहला, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इनका ये था, पहला स्ट्रक्चर ये था। बाद में उन्होंने कहा कि एक और ये जो डबल बॉन्ड है इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है बल्कि मोबाइल या ऑसिलेटिंग है, तो यह जो डबल बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाएगा और इसको बोल दिया सेकेंड। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर न फर्स्ट है न सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड फर्स्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो जहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए जो डिफरेंस था ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का, तो इस स्ट्रक्चर में जहाँ सिंगल है वहाँ इसमें डबल है, यहाँ जहाँ डबल है इसमें सिंगल है। तो डबल बॉन्ड के आधार पर जो फोर्स डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनते थे अब उनका बनना बंद हो गया। तो यह जो स्ट्रक्चर है सेटिस्फैक्टरी स्ट्रक्चर है बेंजीन का, लेकिन इसमें भी डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या है कि बेंजीन फर्स्ट और सेकेंड दोनों से ज़्यादा स्टेबल है, जिसको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करते। डिफेक्ट या ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक मेन ड्राइवर यह है कि बेंजीन की स्टेबिलिटी अनयूजुअल स्टेबिलिटी है। तो बेंजीन इज मोर स्टेबल देन any of the two structures proposed by the calculator. Benzene is more stable than any of the two structures proposed by the calculator. इन दोनों स्ट्रक्चर से वो ज़्यादा स्टेबल है। अब इसका आंसर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के आधार पर दिया जाएगा। तो बेंजीन हैज अनयूजुअल स्टेबिलिटी, ऐड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंजीन हैज अनयूजुअल स्टेबिलिटी व्हिच इज explained on the basis of molecular orbital molecular orbital theory, molecular orbital theory जिसके आधार पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बनाया जाएगा। तो बेंजीन हैज अनयूजुअल स्टेबिलिटी विच इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उसको मैं इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में डालूंगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।